जब श्री अश्वत्थामा ने मेरे को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र भी प्रयोग किया, कृष्ण ही गर्भ में प्रवेश कर गए। कृष्ण ही गर्भ में प्रवेश करते हुए मेरे को बचाया था। कृष्ण मेरे कुल देवता, केवल कृष्ण कथा सुनने के लिए मैं चार चार दिन से बैठा हुआ हूँ। लेकिन आपके जैसे अगस्त ऋषि ने एक चूल भर में संपूर्ण समुद्र जल को पार कर लिया, आप तो एक श्लोक में पूरा पूरा कृष्ण कथा ही बोल दिए, मेरे को तृप्त नहीं मिला। मैं तो चाहता हूँ कृष्ण कथा विस्तृत रूप से सुना। यहाँ प्रश्न है, अरे सुखदेव गोस्वामी एक श्लोक में कृष्ण कथा क्यों बोल दिए? इसका दो कारण होता है। पहला कारण है, जैसे जेठ के महीना में चिलचिला से भरी धूप, आप धूप से आ रहे हो, आपका छाती फट रहा है प्यास तुम्हारे, एक ग्लास किसने आपको जूस दिया, अब क्या कर दो बताओ? एक साथ में एक श्वास में ना पूरा का पूरा ग्लास का जूस को पी लोगे, क्यों? छाती प्यास तुम्हारे फट रहा था। उसी तरह ये सुखदेव गोस्वामी कौन है? बोले प्रिया सुख श्री वृषभानुजाया पवित्र चंचो प्रिय चुंबनीना एकांत कनन रहस्य पाटी निकुंज प्रसाद सदा निवास। ये जो तोता सुखदेव गोस्वामी कोई साधारण तोता नहीं थे, यदि ये राधा रानी की प्रिय तोता नहीं, जो राधा जी के निकुंज महल में रहने वाले कृष्ण के सारे लीला को दर्शन करते थे। राधा रानी हाथ में बैठा करके आना की दाना खिलाया करती थी, बोलते थे बोलो तो कृष्ण कृष्ण, वो तोता भी बोलता था कृष्ण कृष्ण। कभी कभी राधा रानी ये तोते को कृष्ण रूप मान करके कभी चुंबन करती थी। जब चुंबन करती थी तब राधा जी की जो अधरामृत, ये तोते को मोट में राधा जी के अधरामृत लगा दिया। इसलिए अब राधा शब्द को उल्टा तो बताओ तो क्या होगा? इसलिए ये राधा नहीं, कहती है कृष्ण प्रेम रस की ये धारा श्री राधा रानी। इसलिए वहां पर 88,000 ऋषि लोग तो थे, लेकिन एक कथा सुने तो किसके कथा सुने? श्री सुखदेव गोस्वामी की, सबसे छोटा बच्चा उनसे कथा सुने। बोले क्यों? बोले राधा रानी की पालता तोता है श्री सुखदेव गोस्वामी। इसलिए यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी भी इनकी हृदय तड़फड़ा रहा था। बोले क्यों? बोले तब कृष्ण कथा आए और जी भर करके कृष्ण कथा में बोल। लेकिन जब कृष्ण कथा आए, इन्होंने एक साथ में जैसे पूरा जूस तो पी लेते हो, उसी तरह उन्होंने एक श्लोक में क्या किया, पूरा कृष्ण कथा सुना दी। ये एक कारण। दूसरा कारण, बोले हाँ, बोले ऐसे क्यों, कारण क्या? बोले कारण था, बोले परीक्षित चार दिन हो गया। देखो अभी जैसे हम कथा सुन रहे हैं ना, पहले ऐसी कथा नहीं होती थी, उन्होंने कथा ऐसे नहीं बोले। दिन रात सात दिन एक जगह पर बैठी रहती, खाना नहीं, सोना नहीं, पैखाना पेशाब नहीं, एक साथ में सात दिन तक सात दिन बैठ बैठी कथा सुन, ऐसे कथा होती थी पहले। इसलिए बोले तुम चार चार दिन से बैठा हुआ हो, भैया थोड़ा पानी तो पी ले, पानी तो पी ले। बोले प्रभु पानी के लिए तो जितना गले भरी हुई, मैंने पानी मांगने के लिए गया, ऋषि ने पानी नहीं दिया, गले में मरा हुआ सर्प को डाला तो ऋषि ने अभिशाप दिए, फिर आप पानी की बात कह रहे हो, पानी की जरूरत नहीं, आपकी मुखार बिंद से कृष्ण कथा रूपी मंदाकिनी की जो नदी बह रही है उसी को सुन सुन कर मेरा हृदय शांत हो रहा है, उसमें तृप्त हो रहा है। अगर आप कथा बंद कर दोगे ना, फिर मेरे को प्यास लगने लग जाएगी। आप कथा को बंद मत क्या करो। फिर जब देखा इसके हृदय में कथा सुनने का उत्कंठा है, फिर तो उन्हें तीन दिन तक उन्होंने कृष्ण 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 फिर कृष्ण कथा सुनाई। बोले भैया जो कृष्ण कथा है ना, बड़ा मीठा है, कृष्ण कथा जैसे मधुर दुनिया में कुछ है नहीं। इसलिए श्री बल्लभाचार्य भी एक मधुराष्टक लिखा है, पूरा मधुराष्टक लिखे। बोले अधरन माधुर बदनन माधुर नयनन माधुर हसी कर माधुर।
मिठाई देते ही भगवान का पूरा ही पूरा भगवान मिठाई मिठा है। जैसे रसगुल्ला खाए ना गुलाब जामुन जिधर खाओ उधर ही मीठा है। तथा कृष्ण कथा इतनी मीठा इतने कृष्ण मीठा है, उनकी बदन मीठा, उनकी अधर मीठा, उनका हंसना मीठा, उनकी चरित्र मीठा, उनका हृदय मीठा, मिठाई मीठा है। इसलिए जिसको उपनिषद कहता है रस बैस रसम जमायाम लघ्वानंद भगवती, भगवान को रस स्वरूप है, भगवान रस स्वरूप है। इसलिए कहते कृष्ण कथा किसको किसको कल्याण करते हैं, बोले तीन गंगा है। एक गंगा स्वर्ग है जिसका नाम मंदाकिनी, वो स्वर्ग लोक की कल्याण करती है। एक गंगा ये पृथ्वी को पर बहती है जिसका नाम भागीरथी, कहती है पृथ्वी लोक को कल्याण करती है। एक गंगा पाताल में जिसका नाम भोगवती, वो पाताल लोक को कल्याण करती है। कृष्ण कथा भी तीन लोगों को कृष्ण कथा कल्याण करती है। आप बता सकते हो तीन लोग कौन कौन है, किसको किसको कल्याण करती है? कहते जो कथा सुनते हैं, जो कथा बोलते हैं और जो कथा का प्रश्न करते हैं, ये तीन लोगों को कृष्ण कथा कल्याण करती है। और कृष्ण कथा इतने मीठा है, विपरीत तस्य रूपहीयमानात्, कहते जो ब्रह्म में डूबे हुए व्यक्ति सुखदेव गोस्वामी चतुष्सन जैसे व्यक्ति जो भगवान को निराकार 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 मानने वाले, लेकिन इनकी कान में एक कृष्ण कथा इस श्लोक इनकी कान में पड़ा है ना, वो पागल हो गए और सब कुछ छोड़ कर तुमने भागवत कथा को सुने। अगर भगवत सागर से कोई पार होना चाहते हो क्या करो, केवल बैठ कर कथा सुनो। कथा सुनते सुनते जब कथा विश्राम होगा ना, आप देखोगे यहाँ पर नहीं हो, मीराबाई मंदिर नहीं, कहाँ देखोगे, गोलोक वृंदावन में श्री ईश्वर जी के श्री राधा जी की चरण में बैठे हुए हैं। कथा सुनते सुनते आप लोगों को लगेगा भैया कथा में है क्या चीज, देखो ध्यान रखिए सुनो। आप भजन किसको कहते हैं, भजन किसको कहते हैं? जब मन प्राण चित्तों को भगवान की चरण में लगा दे, इसको तो भजन कहते हैं ना। आप एक जगह पर बैठो बोले आज सारा माला जब कर देखना, आंख बंद करते बेटा बेटी नाती पोती दुनियादार सारा याद आती है, सारा याद आती है मन में। लेकिन आप यहाँ पर मानो दो एक घंटा यहाँ पर बैठो, दो ढाई घंटा बैठो, आप बताओ का मन कहीं जा रहा है? आपकी मन केवल भगवत कथा में ही डूबा हुआ है। मतलब जो कथा है ना, ये बहुत बड़ा साधन है। आपको लगता है नहीं कुछ किया नहीं कीर्तन किया कथा सुन, नहीं, ये बहुत बड़ा एक साधन है। वैकुंठ महाराज केवल कथा सुनते सुनते भगवत लोक को चले गए। इसलिए बोले भगवान की कथा बड़ा मीठा है। इसलिए जिस समय एक दिन श्री उग्र सेन को कल सेने जेल में डाल दिया, जेल में डाल करके बोले देखो यहाँ पर कोई भी कृष्ण नाम नहीं कर सकते, कृष्ण कीर्तन नहीं कर सकते, कोई यज्ञ नहीं कर सकते यहाँ पर, इसलिए जो कुछ करना मेरा नाम लो मेरा ही पूजा करो। और जितने संतों को उन्होंने जेल में बंद करवा दिया और संत लोग जेल में बैठ बैठ करके बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय सबसे बढ़िया साथी का, जब मैं बोलूंगा ना कृष्ण जी बनेगा कृष्ण, कृष्ण कौन है कृष्ण, आपको एक टोकरी बनाना, टोकरी में कपड़े रख लेना और उसको सिला देना टोकरी, ठीक है? और उनको सर पर रख करके, उनको सर पर रख करके, हाँ सर पर रख करके उधर से बीच में थोड़ा रास्ता रख लेना और थोड़ा फूल लेना, जो भगवान आएंगे भगवान को फूल करना, ठीक है? फूल जब प्राप्त करो तो भजन में मिलेगी, जब बढ़िया मिलेगा पीछे लेकर के बढ़िया कपड़ा पहना। हरि बोल, बोल श्री कृष्ण के मैया लाल की जय, जय श्री राधे। अभी
कंस ने अपना बहन देवकी को वसुदेव के साथ में शादी कराया और स्वयं सारथी बन करके उनको विदाई दे रहा था। बीच में आकाशवाणी हुई, बोले रे मोरा कंस, जिस देवकी को तुम इतने आनंद पूर्वक विदाई दे रहे हो, देवकी की अष्टम गर्भ का संतान करे काल रहेगा। इतने में कंस ने देखा ये देववाणी है, ये देववाणी कभी छोटी नहीं हो सकती है, इसलिए किसी तरह से ये देवकी को हमें रक्षा करनी चाहिए। इतने में कंस बयान से तलवार को निकाला, देवकी को चोटी पकड़ करके जब मारने जा रहा था, इतने में वसुदेव ने उसका हाथ पकड़ लिया। बोले तुम क्या कर रहे हो, अपना बहनी को मार रहे हो, दुनिया तुमको क्या बोलेंगे, जब तक जिंदा रहोगे ना तब तक तुम्हारी निंदा होती रहेगी, अपना बहनी को तुमने हत्या कर दी। बोले आकाश काले तुमने नहीं सुनी, बोले बहने को सुना नहीं, तो ये बताओ कि एक दिन मरोगे कि नहीं। बोले मरूंगा। बोले जब तुम मरोगा मरोगे एक दिन, फिर अपना बहनी क्यों मार रहे हो। बोले देख भाई साहब, ये जो शरीर है ना ये कपड़ा है, जैसे कोई कपड़ा पुराना होने पर हम उसको छोड़ करके फिर हमने नया कपड़ा पहनते हैं, उसी तरह ये आत्मा ये शरीर पुरानी हो जाने पर इसको छोड़ करके और एक शरीर को ग्रहण करता है, लेकिन जो आत्मा है ये अजर अमर लिप्त शाश्वत ये आत्मा है। ये आत्मा मरती नहीं, बाइक में सूखता नहीं, अस्त्र से काटी नहीं जाती, ना जायते ना मृत्यु, अचो नित्य शाश्वत ये आत्मा। केवल ये शरीर ही परिवर्तन होती है, पर ये शरीर के लिए तुम इतना चिंता क्यों करते हो। बोले भैया मरूंगा जब मरूंगा, पहले तो दिन मरना है। तब वसुदेव ने कहा देख तेरे को पता है मैं कभी झूठ नहीं बोलता, तेरे को पता है कि मैं हाँ। बोले मैं प्रतिज्ञा करता हूँ मेरे जितने बच्चे होंगे ना सारे एक एक करके तेरे को दे दूंगा, तो सारे बच्चों को मार डालना, लेकिन अपना बहन को मत मारो। ठाकुर को इच्छा है, उसने छोड़ दिया। जब उसने छोड़ दिया, अभी उसका पहला जब बेटा हुआ कीर्तिमान, उसने पहला बेटे को लेकर कंस को देख लिया, कंस का हृदय तो बिखर गया, अपना बेटे को कोई दे सकता है मार डालो। उसने कहा देख तेरे सत्यवादिता में मैं प्रसन्न हूँ, ये बच्चे को तू ले जा, ये क्या मारेगा, अष्टम गर्भ का संतान तू मेरे को देना। इतने में नारद जी ने कहा भैया गड़बड़ी हो रही है, क्यों, बोले भगवान कब आएंगे, जब पाप की घड़ा भर जाएगी तभी आएगी, लेकिन इसकी हृदय में तो दया की भावना आ रही है। अरे ठाकुर जी आनंद लेट गएंगे। इतने में श्री नारद जी बिना बजाते बजाते श्री कंस का दरबार में आ गए। कंस ने देखा गुरु जी आए, गुरु जी का सिंहासन में बैठ गया, शरण धोए, बोले गुरु जी क्या बात है, बड़े दिन में दर्शन दिया। बोले देख कंस मैं अभी अभी स्वर्ग से आ गया, देखा ब्रह्मा जी सारे देवता को लेकर के मीटिंग कर रहे थे, उसका विषय वस्तु था कैसे तुम्हें मारेंगे। देख ये जितने जदुवंशी बैठे ना ये कौन जानते हो, ये सब देवता लोग हैं, और जितने ये देवियां हैं ये सब के सब गोपी बन करके आए थे तो मारने के लिए। उन्होंने एक फूल लाए थे कमल फूल जिसमें आठ पंखुड़ियां थी, बोले बताओ तो इसमें पहला नंबर कौन और आठवां नंबर कौन। बोले गुरु जी कैसे बताए, बोले इधर से गिना तो एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ, बोले उधर से गिनाओ, बोले एक दो तीन चार पाँच सात छह सात आठ। बोले गुरु जी क्या बताना चाह रहे हैं, बोले इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है, देवता का बात समझना बड़ा कठिन, उन्होंने तो बता दिया अष्टम कर्म का संतान, तुम तो एक दो इधर से गिन रहे हो, अगर उल्टा से गिना तो जिसको एक कर रहे हो आठ हो जाएगा, और जिसको आठ कर रहे हो जाएगा एक। जब आठ भाई जन्म लेके बड़े होएंगे, हाँ बड़े होएंगे, बोले सबके सब तेरे को मिल करके मारेंगे। बोले फिर गुरु जी क्या मैं सब बच्चों को मार डालू, बोले भैया मैं क्यों बोलूंगा, तू जानता तेरा बाप जानता। दास उनको भड़का लिया और उठाया बिना, और बिना उठा करके बोले गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय।
संत ने एक एक करके छह वचन मार दिया। देखो यहाँ प्रश्न आता है, भैया इतने बड़े संत होकर बच्चों को क्यों मरवाए? बोले उनको मरवाया नहीं, उनको मुक्ति करवाया। बोले क्यों? पहले जन्म में ये ब्रह्मा का मानस पुत्र बन चुके। एक दिन ब्रह्मा ने एक सुंदर लड़की को उन्होंने सृष्टि की। वो लड़की इतने सुंदर थी, ब्रह्मा अपना बेटी को पर आसक्त हो। इतने में इन लोगों ने बड़े हास्य देखो, बुढ़े को देखो अपना बेटी को पर कैसे आसक्त हो गए। इतने में ब्रह्मा जी अभिशाप दिए, बोले मेरे को देखकर खेली उड़ाए, अपना पिताजी को हाथ में तीन जन्म तक मर करके तुमको मुक्ति मिलेगी। अभी उनकी जो कंस है वो पहले काल में इनके बच्चे बन कर आए, वही काल ने कंस बन कर आया। अभी बोले अपना पिताजी के हाथ में मर करके मुक्ति मिलेगी, उन्होंने मरवाया नहीं। जितने जल्दी मरेंगे उनको मुक्ति मिलेगी, उनको मुक्ति करवा दिया। हाँ देखो इन्होंने छह बच्चे मारे, मतलब क्या? मतलब अगर भगवान को हृदय में कोई बैठना चाहते हो, पहले छह हमारा सबसे बड़े बड़े शत्रु है। बोले छह कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य। पहले ये छह शत्रु को मारो। बोले सप्तम गर्भ में कौन? बोले दाऊ भैया। बोले ये बलदेव प्रभु कौन है? बोले धाम स्वरूप, सेवा स्वरूप है। जो भगवान को धारण करता है ये सद्भिनी शक्ति के अधिष्ठात्री देवता बलदेव प्रभु पंच रस और दस सैन्य से सेवा करते हैं भगवान को जो धारण करने वाले। इसलिए बलदेव प्रभु सप्तम गर्भ में और अष्टम गर्भ में भगवान स्वयं कृष्ण, अष्टम गर्भ में कृष्ण स्वयं आए। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। बोले ये एक अर्थ हुआ। देखो दूसरा अर्थ को समझो, अच्छे तरह समझो। कृष्ण अष्टम गर्भ में क्यों आए? मैं कल पूछूंगा, फिर तक देखूंगा की बात मेरे को कौन बोल सकता है। कृष्णा अष्टम गर्भ में क्यों आए? छह में नहीं क्यों? सात में क्यों नहीं? आठवां गर्भ में कृष्ण क्यों आए? ठीक है, ध्यान देकर सुनना। कल मैं पूछूंगा फिर तक मेरे प्रश्न का उत्तर कौन दे सकता है। जैसे क्लास हुआ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 करके क्लास होती है ना, ऐसे भक्ति की भी 8 सोपान है। भक्ति का सबसे बड़ा सोपान क्या? पहला जिस क्लास हुआ है। बोले ये क्या? बोले श्रद्धा। जैसे श्रद्धा है आपको अंदर में, तभी आप यहाँ पर बैठे हो। भक्ति का पहला गुण है श्रद्धा। बोले दूसरे जो स्टेज किया, बोले साधु संगम। श्रद्धा है तभी आए बैठे, उसको बाद में साधु संगम में कथा है, फिर भगवान की कथा सुन रहे हो। इसलिए भगवान राम भी कहते हैं प्रथम भक्ति संग तन्न करी संगा, दूसरी भक्ति तब कथा प्रसंगा। इसलिए दूसरी जो भक्ति है भगवान की सत्संग में कथा सुनना। बोले तीसरी जो भक्ति है, बोले साधन। जब हमें पता चलेगा हम कौन है सत्संग में, हम भगवान के संतान हैं, भगवान हमारे पिता है, तुम्हें माता च पिता तुम्हें, भगवान हमारे पिता, हम उनके संतान हैं। भगवान को भूलने का वजह से हम संसार में आकर के ये 14 ब्रह्मांड और 84 लक्ष जन्म में भटक रहे हैं। अगर फिर ठाकुर जी के चरण में शरणागत हो जाए फिर हमें अपना ठाकुर बोध मिल जाए। इसलिए जो तीसरी भक्ति है साधन, तीसरी भक्ति हम साधन करते हैं। बोले चौथा भक्ति किया, जब भगवान की हम भक्ति करेंगे हमारा हृदय में जो अर्थ, जो अपराध, जो पाप है ये धीरे 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 खत्म होते रहेंगे। जितने भक्ति करते जाएंगे हृदय उतना पवित्र होती जाएगा। काम, क्रोध, लोभ ये चौथी है। बोले पंचमा भक्ति क्या है? बोले रुचि। पंचमा भक्ति क्या है? रुचि। बोले रुचि। बोले रुचि मतलब क्या है? जैसे अभी बोलो हरिनाम करो, हमें रुचि नहीं होता, भगवान के भजन में मन नहीं लगता है। लेकिन कोई उल्टा पुल्टा सीरियल आए ना, इतना तीन तीन घंटा बैठ कर सीरियल देखे, लेकिन बोले तो भैया भगवान के नाम जप करो, उसमें हमारी रुचि नहीं होती। बोले क्यों नहीं होती? कारण हमारा हृदय में पाप बैठा हुआ है, हृदय में काम, क्रोध, लोभ बैठा हुआ है, इसलिए रुचि नहीं होती। लेकिन भजन करते करते हृदय से जब ये सारे चीजें खत्म हो जाती है, फिर भगवान के भजन में इतनी बच्चे को गोद में रखना, बच्चे को गोद में रखना, हरे कृष्णा तुम गोद में रखो, छोड़ना नहीं। इसलिए जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, पंचमा स्टेज है रुचि,
रुचि मतलब होता है जैसे घर में कोई बढ़िया खाना बना हुआ, हम क्या बोलते हैं बढ़िया खाना और थोड़ा और थोड़ा बहुत अच्छा बना, उसी तरह अभी तो भजन करने में रुचि नहीं लगती है, लेकिन जब धीरे धीरे हम हरिनाम करते रहेंगे, ठाकुर जी की भक्ति करते रहेंगे, जितने परिमाण से हृदय से ये काम क्रोध दूर होगी, उतना परिमाण से भगवान की भजन हमें अच्छी लगने लग जाएगी, भगवान की भक्ति हमें अच्छी लगने लग जाएगी। जैसे हमारे उदाहरण दिया, देखो मिश्री मीठा है, मिश्री कैसे मीठा है, लेकिन मिश्री किस किस को कड़वा भी लगता है, आप बता सकते हो मिश्री किसको कड़वा लगती है? शुगर हो जैसे मिश्री तो मीठा, मिश्री खाएगी नहीं, कौन कौन मिश्री खाएगी, मिश्री मीठा है ना, लेकिन मिश्री कड़वा किसको लग गया बताओ तो, कौन सा जिसको पीलिया की बीमारी हो जाए देखना मिश्री किसको कड़वा लगेगा, लेकिन पहले कोई दवा हवा नहीं होता था, डॉक्टर कहते थे देख बेटा तुम मिश्री चूसा करना, लेकिन मिश्री तुम्हें मीठा नहीं लगेगी, क्यों अभी तुम्हारी जल्दी से तक पीलिया की बीमारी है, लेकिन मिश्री छोड़ना नहीं, मिश्री चूसते रहना, चुस्ते 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 जितने परिमाण में तुम्हारी ये बीमारी खत्म होती रहेगी उतना परिमाण में मिश्री में मीठा लगने लग जाएगी, फिर इतना मीठा लगेगा फिर तुमसे छूटेगा नहीं, कहते उसी तरह भगवान का नाम तो मीठा है लेकिन अभी हमें मीठा नहीं लगती, बोले क्यों हमारे पूर्व जन्म का पाप इसलिए मीठा नहीं लगती है, इसलिए चौथ जो पंचमा जो भक्ति है कहते रुचि, रुचि मतलब होता है भगवान की भजन अच्छी लगना, जो छठमा भक्ति है कहते निष्ठा, बोले निष्ठा मतलब क्या, भक्ति इतने पक्की हो जाएगी, इतने पक्की आप लोगों ने मीरा का नाम सुनी होगी, जब मीरा भजन करते थी जितना सारा दुनिया उसको विरोध हो गई, पति जेठ ननद एक कुत्ता तक भी उसको पीछा नहीं छोड़ी, सबके सब उसको पीछे पड़ गए, आप देखना उस दुनिया में बेटा शराब पी रहा है, सिगरेट ठोक रहा है, वेरी गुड बच्चा अरभान से कर रहा है, लेकिन अगर बेटा का हरिनाम करना शुरू करते गला में कट्टी माला बनी की ये कोई उम्र पर भजन करने का, लेकिन उम्र शराब पीने का उम्र है, बीड़ी फूकने का उम्र है, जुआ खेलकर लड़कीबाजी करने का उम्र हो गया, लेकिन इतना भजन करते बोले ये कोई उम्र है भजन करने की, इसलिए लेकिन भक्ति जब निष्ठा आती है भले ही सारा दुनिया तुम्हारी विरोध हो जाए, दुनिया छूट जाए, लेकिन भगवान की भक्ति उससे कभी नहीं छूटती है, पक्की बन जाती भक्ति को कहते निष्ठा, उसको आती है भाव, बोले भाव मतलब क्या है, बोले तभी भगवान की थोड़ी थोड़ी दर्शन करने लग जाती है, कभी कभी भगवान की मीठी मीठी बंसुरी सुनने को मिले वो कान खड़े करते हैं, कभी कभी उसको ऐसे लग गया ठाकुर जैसे आए और मेरे को स्पर्श करते हैं उसका रोंगटे खड़े हो जाए, कभी कभी उसको ऐसे लग गया ठाकुर जी आए अपना आधार मृत हमें पिला कर गए अपना होठ को चाटने लग जाएगा, कभी कभी ऐसे लगेगा ठाकुर जी की चरण की नुपुर की छम 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 आवाज आएगी कान खड़े करके सुनने लग जाएगा, कभी कभी ठाकुर उसको सामने ऐसे प्रकट होंगे इतने प्रकाश है उसको आग चकाचौंध हो जाएगा, इसको कहते भावावस्था, उसको बाद में जो अष्टम जो स्टेज है प्रेम, प्रेम मतलब होता है भगवान डायरेक्ट उसको दर्शन देते हैं अष्टम स्टेज में, इसलिए अष्टम स्टेज में कौन आए कृष्ण, कृष्ण अष्टम स्टेज में, इसलिए कृष्ण अष्टम स्टेज में आए, अष्टम स्टेज में भगवान का प्रेम है, इसलिए अभी श्री जब देवकी गर्भ में भगवान आए त्रिश्री कर्ण देवता आकर के भगवान को स्तुति कर रहे हैं, सारे ब्रह्मा शंकर इंद्र चंद्र नारद सबके सब गर्भ स्तुति कर रहे हैं, हम भी भगवान के स्वागत करेंगे, ठीक है ठाकुर जी आ रहे हैं, हम लोग हाथ में ताली बजाते भगवान को स्वागत करना, क्योंकि त्रिश्री कर्ण देवता ठाकुर को स्वागत कर रहे हैं, सुस्वागतम कृष्णा सुस्वागतम
जन्म लेने वाले देखना कोई प्राइम मिनिस्टर मोदी आ जाए देखना उसके लिए कितना सजावट मंत्री क्या क्या उसके लिए होने लग जाता है। लेकिन जो विश्व ब्रह्मांड का जो तारनहार आ रहे अब समझो इतने सजावट नहीं होगा। सुखदेव गोस्वामी इतना सुंदर वर्णना करते हैं बोले ये पृथ्वी का जैसे दुल्हन की जैसे पृथ्वी सज गई। बोले भैया क्यों ये पृथ्वी को आनंद क्यों कारण है सत्य युग में भगवान जब बराह रूप में आए उन्होंने पृथ्वी को उद्धार किया था अपना पत्नी बनाए थे। और तृतीय युग में जब राम आए आप लोग बताओ तो माँ सीता की जन्म कहाँ से हुई और बोले कहाँ से मैया सीता कहाँ से जन्म हुई धरती से। और सीता जी को साथ में शादी किसकी हुई राम जी से। बोले राम का ये पृथ्वी क्या लगती है अपना सासू माँ बनाए जो आपको युग में कृष्ण आ रहे हैं। बोले मेरे को क्या करके बोले स्वयं जो सत्य भामा आएगी कृष्ण का पता नहीं क्योंकि ये स्वयं पृथ्वी ही सत्य भामा बनकर जाएंगे। बोले प्रभु मेरे को अपना पटरानी बनाएंगे और नंगे तैयारी में सर्वत्र भ्रमण करेंगे इसलिए पृथ्वी प्रसन्न हो रही थी। बोले वृंदावन की लता पता सारे पेड़ों में फल फूल से भर गया। बोले क्यों लता पता इतने प्रसन्न हो रही थी बोले कृष्ण कुंज कुंज के कतरा कतरा में प्रभु लीला करेंगे प्रभु रास रचाएंगे इसलिए वहां के पेड़ पत्ते फूल में सारे फल फूल आ गया। यमुना पटरानी बड़ी खुश हो रही थी यमुना त्रि से कलकल नाद करते करते कृष्ण की जय जयकार करते करते आ रही थी। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। बोले भैया ये यमुना क्यों सब प्रसन्न हो रही थी। बोले कृष्ण जब वृंदावन में रहेंगे ये यमुना उनकी सखी बनेगी यही यमुना जब जाती है मथुरा में ये कृष्ण की पटरानी काली जी बन करके आएगी इसलिए यमुना का जल कैसे बोले काली काली। बोले काली काली क्यों हो गई बोले कृष्ण चिंतन में और कृष्ण जब स्नान किया तो मैया ने मोटी मोटी काजल लगा देती है कजल का रंग से काली हो गई यमुना सद। और जितनी नदियां ये लोग भी प्रसन्न हुए बोले क्यों दूसरे नदी क्यों प्रसन्न हो रही थी कारण ये जो काली थी यमुना बड़ी बहन और जितने नदियां ना छोटी बहन। आप देखना जब किसी लड़की को साथ में किसकी शादी होती है कालती को साथ में शादी होगी कृष्ण की और शादी होने पर ये छोटी बहन क्या लग जाएगी साली। आप देखना कभी कभी तामाद पत्नी से सालियों को ज्यादा इसलिए नदी खुश हो रही थी बोले हम छोटी बहन ना और दामाद साधारण बांके बिहारी बाकी भी यही दामाद बनेंगे हमारे इतने सौभाग्य हमें भी कृष्ण प्रेम करेंगे। क्योंकि ये कमल फूल खिलता है तीन है लेकिन कमल फूल खिल गया रात में बोले रात में क्यों खिल गया बोले कारण है बोले संत लोग बोले संत लोग जब उदाहरण देंगे बोले नमो पंकज नाय नमो पंकज मारी भगवान का स्वरूप बोलेंगे उनका नेत्र कमल हस्त कमल चरण कमल नाभि कमल सब कमल कमल को नाते जानते हैं इसलिए ये कमल फूल खिल गया रात में। बोले कृष्ण जब जन्म हुए हमको पता है कौन सा तिथि में कृष्ण जन्म हुए कौन सा रात में कौन बोले रात था कृष्ण जब जन्म हुए थे रात कौन सा रात था बुधवार की रात जोर से भार्गव के महीना बुधवार अष्टमी का रात्रि में जन्म हुए। आप बताओ तो राम जब जन्म हुए कौन सा तिथि में रामचंद्र कौन सा वंश में आए चंद्रवंश में। जब राम जन्म हुए कितने बजे जन्म हुए थे कौन बोलेगा बोलो राम जब जन्म हुए कितने बजे कब जन्म हुए दिन का बारह बजे प्रभु राम जन्म हुए हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जब राम की जन्मोत्सव हुई एक महीना तक और जो सूर्य वंश में आए सूर्य का जो प्रचंड तेज दीप की दो पर गया भगवान सूर्य वंश में आए ना इसलिए एक महीना तक वहां पर जन्म उत्सव चली और सूर्य एक जगह में इधर उधर हटे नहीं
और सारा दुनिया राम लाला की जय जयकार कर रहे थे, लेकिन एक व्यक्ति के बोले दुखी होकर के कोने में खड़े होकर रो रहे थे, बोले कौन? बोले चंद्रमा। भगवान राम ने पूछे, चंद्रमा सारा दुनिया मेरे जन्मोत्सव में नाच रहे गा रहे, तुम कोने में बैठे बैठे रो रहे क्यों? बोले रोऊंगा नहीं, क्या हंसूंगा? बोले तू भी हंसना, तू भी नाच। बोले प्रभु ये सूरज को देखो, एक महीना से खड़ा हुआ, जब तक सूरज नहीं आएगा चंद्रमा आएगी? बोले प्रभु इसी जीवन में तो इसी अवतार में मैं वंचित हो गया आपकी जन्म उत्सव में। बोले चिंता मत करो, मैं जब अगली बार आऊंगा ना तेरे वंश में आ जाऊंगा, और रात को एकदम 12 बजे आऊंगा, तब तुम आनंद लेना। बोले प्रभु अभी तो मैं वंचित हो गया ना। बोले चिंता मत करो, मेरा नाम रहूंगा राम, लेकिन तेरे साथ में मेरे नाम को जोड़ दूंगा, दुनिया भर में राम और चंद्र कहीं दूसरे। अभी भगवान आ रहे हैं रात 12 बजे कृष्ण रूप में, चंद्रमा चंद्र वंश में, अष्टमी का राम, लेकिन आ रहे हैं चंद्र वंश में, इसलिए चंद्रमा पूर्ण चंद्र रूप में प्रकट हो गया। और उसी समय आकाश में काला मेघ छाया हुआ था, रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही थी, इतने में चंद्रमा और मेघ में लड़ाई शुरू हो गई। चंद्रमा बोले मेरे सामने हट जा। बोले क्यों हटूंगा? बोले तेरे को पता नहीं आज प्रभु मेरे वंश में आ रहे हैं। मेघ ने कहा तेरे को पता नहीं प्रभु मेरे कलर लेकर के आ रहे हैं, मेरे रंग लेकर के आ रहे हैं, तेरे को पता नहीं। बोले जो कुछ हो लेकिन प्रभु मेरे वंश में आ रहे हैं ना, तेरे से ज्यादा सौभाग्य मैं हूँ। देवता ने बोले भैया ने थोड़ी लड़ाई झगड़ा करने का समय, अभी तो आनंद लेने का समय, तू भी हट जा, उसको भी आनंद लेने दे, तू भी आनंद ले, सबके सब आनंद लो, अभी लड़ाई करने का समय नहीं। इसलिए भगवान एकदम 12 बजे रात को कंस की कारागार में प्रभु चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हुए। बोले श्री कृष्ण के नैया लाल की जय। केवल एक व्यक्ति का जय ध्वनि आ रहा है, उनका और किसका जय ध्वनि आ ही नहीं रहा है। भगवान जन्म ले रहे हैं, अपना आनंद भी आ रहा है, इसलिए जोर से जयकार दो। बोले श्री कृष्ण के नैया लाल की। अभी लग रहा है जैसे कथा हो रही है, इतने में भगवान जब प्रकट हुए, इतने में श्री वसुदेव महाराज बोले प्रभु मैंने आपको बेटे रूप में प्रार्थना की, आप तो 16 साल के शंख चक्र गदा पद्म लेकर के आए। बोले प्रभु आप शंख चक्र गदा पद्म क्यों लेकर के आए? बोले इसलिए आया हूँ, कल सब मामा अगर उल्टा उल्टा बोला ना, मेरे 6 भाई को मारता ना, इसलिए पहले से सर धज करके आया, अगर मामा कुछ उल्टा उल्टा बोले छोड़ूंगा नहीं, इसलिए पहले मैं चतुर्भुज रूप शंख चक्र लेकर के आया। बोले प्रभु मैंने तो आपको बालक रूप में प्रार्थना की थी। भगवान ने कहा वसुदेव पहले जन्म में तुम कृष्णी और सुतला थे, बिना खाए पिए सूखे पत्ते खा करके 10,000 साल तपस्या की। मैंने कहा पर मांगो तो तुम दोनों ने मेरे को बताया था आप जैसे मेरे को के लाला चाहिए। मैंने कहा मेरे जैसे तो कोई है नहीं, मेरे जैसे मैं हूँ, अभी तुमको पूर्व जन्म की याद दिलाने के लिए आया। देखो अभी मैं छोटा बच्चा बन जाऊंगा और मेरे को गोकुल में ले जाना, वहां पर एक बेटी हुई मेरे को रखकर तो बेटी को ले जाना। प्रभु जाऊ जैसे हथकड़ी बड़ी बड़ी हुई है, इतने पहरादार जगह हुए, इतने बड़े बड़े ताला लगा हुआ, प्रभु हम जाए कैसे? देखो यहाँ पर अच्छी शिक्षा थी, आप लोग ध्यान देकर सुनो, यहाँ पर शिक्षा क्या थी? बोले कुछ नहीं करने का जरूरत नहीं, केवल तू मेरे को अपना सर पर रख ले, मेरे को सर पर रख ले, ये हथकड़ी बड़ी खोल जाएगी, ताला खोल जाएगा, पहरादार खोल जाएगा। यहाँ शिक्षा देते हैं अगर घर में कोई भी काम हो ना, क्या करो, ठाकुर जी को सामने रखो, ठाकुर जी को अगर सामने रखोगे ना, इसलिए कहते ना कहते हो तुम कन्या मेरा काम हो रहा है और तेरी कृपा से सारे काम हो रहा है। अगर ठाकुर को सामने रखकर कर देना सारे काम कामयाब हो जाएंगे, लेकिन हम उल्टा करते हैं। हम उल्टा क्या करते हैं, बच्चे का बर्थडे बनाएंगे, सारे यार दोस्तों को बुलाएंगे, पता नहीं कितना बोतल तोड़वाएंगे, कितने जानवर को मरवाएंगे, अपना बेटे के बढ़िया बढ़िया कपड़ा लाएंगे, लेकिन ठाकुर जी 15 दिन से एक कपड़ा पहन के बैठे और खुद दिन में 2-3 बार ड्रेसिंग कर रहे हैं। जिसने तुम्हें सब कुछ दिया वही चुपचाप बैठे हुए और सारा दुनिया को खिला रहे हैं, ठाकुर जी चुपचाप बैठे हुए, उनको थोड़ी सी लड्डू नहीं तो क्लास दूध भोग लगा दिया, नहीं तो कभी बात सुन लेते हैं, ठाकुर तो बैठे हुए खुद श्रृंगार खा रहे पी रहे नहीं,
ऐसे नहीं करनी चाहिए। पहले अपने आप को मत देखो, पहले ठाकुर को देखो, दूसरों को मत नहीं। इसलिए उदाहरण दिया, जैसे अपना शरीर को सत्कार करो बढ़िया से, आज शीशा के सामने खड़े हो जाओ, तेरे मां परछाई को सजाने का जरूरत नहीं, तुम्हारी शरीर जैसे सज जाएगी ना, परछाई अपने आप सज जाती है। उसी तरह मूल को ठाकुर जी, आप देखना आप जितने अच्छे तरह से ठाकुर को स्वीकार करोगे, ठाकुर को सेवा पूजा करोगे ना, तुम्हारी जीवन भी अपने आप सज जाएगा। अगर तुम अपना ठाकुर को नहीं सजाया, खुद को ब्यूटी पार्लर में लेकर सजा रहे हो और रोज उसको शरीर को श्रृंगार कर रहे हो, क्या सुनो पार्लर लगा रहे हो, फिर रोज दो तीन बार ड्रेसिंग कर रहे हो, शांति सुन नहीं मिलेगा तुम्हें, क्योंकि तुम भगवान की कुछ भगवान के लिए कुछ नहीं कर रहे, ठीक है ना। पहले ठाकुर जी करो, बाद अपना। इसलिए मैंने जब ठाकुर जी को रखा, अपने आप दरवाजा खुल गया, हथकड़ी बड़ी खुल गई। अब इसी वसुदेव महाराज जा रहे हैं, आनंद देव छत्री रूप में ऊपर में छत्री रूप में ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं। अब जो यमुना नदी आ रही, इतने में यमुना भी सोच रही, भैया मैं भी तो ठाकुर का चरण छू हूं, इतने में पानी उफनने लग गया। कृष्ण पीछे से प्यार बढ़ा दिए, यमुना ने भगवान के चरण स्पर्श करते हुए नीचे उतर कर आगे, ठाकुर जी एक चौकमया सियार बन करके आ गई, बोले इतनी सुनारी, फिर तो उनको लेकर के उन्होंने छोड़ करके कहां पर श्री गोकुल में रख करके वहां से बेटी को ले आया। देखो आज हम लोग ने जो कथा सुनी, कृष्ण मथुरा में कैसे प्रकट हुए, कल हम इससे भी बढ़िया कथा सुनेंगे, कृष्ण गोकुल में कैसे नंद के लाला बन करके कैसे आते हैं। इसलिए कहते ना नंद के आनंद भयो, कृष्ण की गोकुल की कथा सुनेंगे, और आज तो कृष्ण जन्म हुए, कल श्री किशोरी जी की जन्म, राधा जी जन्म हुए, आज कौन सा रंग के साड़ी में दिखा है, पीला पीला, एक बीच बीच में एक जो दिख रहा है पीला, सब में दिख रहा है, कल संध्या सब गुलाब रंग के साड़ी में दिख रहा है, ठीक है, आज तक पीले रंग का गुलाब रंग, ठीक है। हाँ देखो आज का जो प्रसाद है ना, आशीष और आज अपना आशीष का कितना आज आशीष, आप इनके लिए खूब जोरदार ताली बजाओ, क्योंकि भगवान की जन्म खूब फलते फूलते। देखो ये जो दो धोती है ना, बड़ी सेवा ये दोनों बड़ी सेवा करती है, हम लोग को बड़ी सेवा करती है, हृदय गले में कटती है, तिलक लगाती है, खूब भजन करती है, अपना नौकरी चाकरी भी करती है ये, और हमारी बड़ी सेवा भी करती है ये दोनों। इसलिए ठीक है, हम बैठे हाँ, अब ले आप भगवान को ले आप प्रभु जी, बोलो कृष्ण का हरि लाल की जय, फूल दे दो ठाकुर जी आएंगे, थोड़ी सी ठाकुर को फूल देंगे, आरती खराब सब दे दो, बोलो कृष्ण का हरि लाल की उस की जन्म के द्वार लाला के दर पर Yeah.
जीवन का